आज हम रिव्यू करने वाला है जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 10 हिंदी में। आइए शुरू करते हैं। क्या हो गया? मुझे कुछ तो सुनाई दे रहा है। तुम सुन रहे हो ना यूजी इतादोरी? सुनो। रुको रुको रुको, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वक्त बहुत कम है। गोजो सातोरु को कैद कर दिया गया है। अलविदा गोजो सातोरु, अब तुमसे एक नई दुनिया में मुलाकात होगी। मुझे तो कैद कर लिया, पर तुम्हारे आजाद होने का वक्त आ गया। कैद कर लिया भाई तुम्हें तो। तुम कहते हो कि आत्मा अहम है और उसकी शक्ति शरीर बनाती है। अगर मुझे कैद करना है तो जल्दी करो, दरवाजे बंद करो। माफ करना, कोई सबूत नहीं है। तुम लोगों के सामने ये जो डिवाइस है, इसका मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया था। तो एक शार्प जादूगर तुम्हें यहाँ मारने क्यों आ रहा है? क्या बात, दो दुश्मन तो मेरी नहीं हो ना? हाँ, तुम ये सही पहचान। इन्हें उनकी नानी याद दिलाते हैं। तो फिर चलो। क्या हुआ? लगता है यहाँ वक्त अपनी जगह पर ठहर गया है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। खैर, फिर भी सब ठीक हो ही जाएगा। मुझे तुम सब पर यकीन है। अगर मैं यूजी को पहले ढूंढ लेता हूँ तो उसे कोई और नहीं बल्कि मैं मारूंगा। मिला तो मैं उसे मार दूंगा, पछताऊंगा। और मैं, ऐसा ना कभी हुआ है और ना ही होगा। गेटो ने नहीं, उसे गेटो के अंदर मौजूद शैतान ने कैद किया है। सारी खास शापित शक्तियाँ हैं जिन्हें वो हैवान साथ लाए हैं। अगर ऐसा है तो सबवे स्टेशन से होते हुए हमला करना सबसे सही होगा, लेकिन वहाँ जाने के लिए पहले उस कवच को खत्म करना होगा। तुम्हें ही सब करना होगा। अब गरम तेल में हाथ डाले दिया है तो जलने से क्या डरना। बाहर जाकर इजीची के साथ वो सारे काम निपटाता हूँ। तक तुम तीनों उस कवच को खत्म करो जो जादूगरों को बाहर रोक रहा है। अगर वो तुम्हें कहीं मिल जाए तो उन्हें सब बता देना और उनसे कहना कि तुम्हारी मदद करें। समझ गया। उन दोनों का ख्याल रखना। ठीक है सर। क्या हुआ इनो? तो ध्यान से सुनो, ये मिशन शुरू होने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कितना जरूरी है। और यूजी, तुम भी उन्हीं जादूगरों में से एक हो ना? हाँ। तो थोड़ा जोश दिखाओ। बजो सर के जाते ही वो सभी जादूगर मुसीबत में पड़ जाएंगे और फिर उन्हें मार दिया जाएगी कि हम जादूगर कमजोर पड़ जाएंगे। और वो सभी शापित शक्तियाँ जो गोजो सर के डर से दिलों में छिपकर बैठे रहते थे, वो बाहर आकर हम पे हमला कर देंगे। ऐसा हुआ तो ये पक्का है कि जापान में से इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो अब चलो आगे बढ़ो। अरे तुमने सुना क्या? अफसाका तोरु कैद हो गया है। ऐसा करने में क्या बुराई है ओगामी? अब लग रहा है कि ये सच में हो रहा है। आखिरकार गोजो सच में कैद हो गया है। अब मजा आ रहा है। और क्या ही होगा, शापित शक्तियों के हाथों मारे जाएंगे। एपिसोड एंड हो गया। इसी के साथ करते हैं इस एपिसोड को खत्म। आपको कोई भी नई एनिमे का रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर देना, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।